अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखिए मैंने एक ट्राउज़र पैंट सिला है और जब सिल के तैयार की हुई, लेकिन मैंने ये सिलने के लिए मेरे पास बहुत ही कम कपड़ा था, तो कपड़ा मेरे पास सिर्फ 1.25 मीटर कपड़ा था, तो इसको सिलने के लिए बहुत ही मुझे जुगाड़ करना पड़ा। तो कपड़ा बिल्कुल साइड से निकाल करके तब मैं ये सिल करके देखी, मैंने जोड़ करके तैयार किया। तो ये मैंने कैसे सिला है तो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कपड़ा देखिए, मैंने ये ट्राउज़र की कटिंग की है। ये देखिए, ये ट्राउज़र की एक कटिंग मैंने किया है, जो कि इसका कपड़ा बहुत ही कम था, तो ये 2 मीटर से भी कम कपड़ा था जिसका मैंने ट्राउज़र काटा है। तो जब इसका लेंथ भी काफ़ी अच्छा था, 39 था, और इसको जब मैंने काटा तो कपड़ा काफ़ी कम था। तो ये देख सकते हैं, ये जब मैंने काटा तो सिर्फ इसका लेंथ बहुत ही कम, मीन्स 4-5 इंच मेरे कम आ रहे थे। तो फिर ये मैं देखिए, मैं कैसे कम कपड़े में ट्राउज़र बनाना, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप बना सकती हैं। तो ये मैंने ट्राउज़र जो काटा उसका लेंथ इतना आया और 4-5 इंच कम से कम घट गया। तो मैंने जितना था ऊपर का सारा जितना लेना था उतना मैंने ले लिया, और नीचे का जो था वो मैंने उतना जितना माइनस कर दिया। और माइनस करने के बाद फिर जो साइड से कपड़ा निकला है उसका मैं देखिए, ये कपड़ा मैंने निकाला है। तो ये साइड से जो कपड़े निकले हैं, तो ये देखिए, ये कपड़ा मैंने ऐसा निकाला है, और निकाल के मैं इसको इसके साथ करूँगी ज्वाइन। और उसके लिए आप कुछ भी, जैसे कि मैं एक डिज़ाइन में पहले जोड़ूंगी, उसके बाद फिर, या तो आप इसमें कुछ डिज़ाइन भी बना सकती हैं। तो मैं अभी कुछ डिज़ाइन बनाऊँगी, पहले जोड़ूँगी फिर मैं बता रही हूँ कि कैसे मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि देखिए मैंने ये जोड़ लिया है, ये देखिए, ये जो कपड़ा था नीचे से मैंने ऐसा जोड़ लिया है, ऐसा हो गया है, और इसका ये अब लेंथ बढ़ गया है। ये देखिए, जो मैंने इतना कपड़ा जोड़ा तो ये इतना बढ़ गया। अब यह है कि ये जोड़ हो गया है, तो इसको आप छुपा, मतलब उसको अंदर करने के लिए कुछ, जैसे कि आप डिज़ाइन बना सकती हैं। तो मैंने एक ऐसा पट्टी बनाया है जो इसके ऊपर से मैं ऐसे लगा दूंगी, ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे इसके ऊपर स्टिच कर दूंगी, और उसके ऊपर फिर ये ऐसे फिर इसको सिल दूंगी। तो ये डिज़ाइन भी लगेगा, और आप चाहें तो कुछ भी डिज़ाइन बना सकती हैं, उसके ऊपर से लेस लगा सकती हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेस नहीं है, तो मैं सिर्फ ये पट्टी लगा दूंगी। और आप चाहें तो इसमें पिनटेक वगैरह नीचे वाले कपड़े बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कपड़े की बहुत कमी थी इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। तो इसके ऊपर से जैसे आप लेस भी लगा सकती हैं, कोई डिज़ाइन बना सकती हैं, तो वो भी मैं बना के दिखा रही हूँ। तो ये मेरा मोहरी इस तरह से बन के तैयार हो गया है, देखिए ऐसा ये डिज़ाइन आएगा। ये मैंने लगा दिया है पट्टी, और ये जो पट्टी मैंने लगाया है वो मेरे कुर्ते का कपड़ा है, जो कुर्ते में है वही डिज़ाइन इसमें मैंने डाला है। तो ये दोनों देखिए, और ये देखिए इतना लंबा हो गया, और ये डिज़ाइन बन गया। और अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा हो तो कुछ और भी डिज़ाइन और लेस लगा सकती हैं, या फिर पेटक वगैरह बना सकती हैं। और उसके बाद ये मैं ऐसे ये नीचे से जोड़ दूँगी, ये मोड़ दूँगी, और उसके बाद मैं अभी रेडी करके दिखा रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल ऐसा डिज़ाइन बन गया है, और लंबा भी हो गया है। तो देखिए ट्राउज़र सिला के ऐसा हुआ, देखिए ये ऐसा हो गया, इतना मैंने जो जोड़ा था ये हुआ, और ये मैंने जो पट्टी लगाया है थोड़ा सा डिज़ाइन बना करके, और ये ऐड किया था, ये ऐसा हुआ। देखिए ये ट्राउज़र सिल गया बिल्कुल, और ऊपर से भी सिला हुआ है, इसमें सिर्फ रबर लगाना है। तो ये देखिए सिल के, ऐसा सिल के तैयार हो गया। तो कपड़ा इतना कम होने के बावजूद मैंने कपड़ा उधर से निकाल के इधर ऐड किया था, तो परफेक्टली अब तैयार हो गया है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया अगर, और आप मेरा ये जुगाड़ अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।